स्माइल को भी स्माइल ऑक्यूपाइड विद द कमिटमेंट नहीं और डायरेक्टर नेशनल हेडक्वार्टर कौशिक खान भी बैठे हैं
लिए जाइए। दूसरे दिन साथ होती है दोनों तरफ से, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी साथ होती है। उपटन का लड़की को नहलाया जाता है, दोनों को शुद्ध किया जाता है जिसको मैं बोलूंगी। फिर उसके बाद चूड़े में सजनी दुल्हन शुरू हो जाती है। दुल्हन वाले उस वक्त बहुत ही मजे ले रहे होते हैं कि हमारी बेटी की शादी है, तो चलिए बारात तैयार है निकलने के लिए और दुल्हन भी तैयार है जाने के लिए। बराती निकल चुकी है भांगड़े ढोल नगाड़ों के साथ अपनी दुल्हन को लेने, तो बारात चल पड़ी। बैठो बैठो बैठो, बारात चल पड़ी है। हेलो भैया बैठो। लड़के वाले बहुत खुश हैं क्योंकि उनको आज अपनी दुल्हनिया को लेके जाना है। लड़की का स्वागत कर दिया, अभी जयमाला की रस्म है। लड़का जो है लड़की को जयमाला डालेगा और लड़की लड़के को डालेगी। चलिए जोर से ताली है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, लड़का लड़की का हो गया शगन। बहुत अच्छा। चलिए अब इसके प्लीज ऊपर आ जाइए सर, वेलकम। रिक्वेस्ट करूंगी इनको चुनरी डालें। यस जज्बाने गाए जाते हैं क्योंकि जो कश्मीर है आपका आपको पता है रिच और डाइवर्स कल्चर है और काफी सेंस निकले और काफी काफी बढ़िया कल्चर है हमारा और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स हैं कश्मीर के, तो कश्मीरी गाने गाए जाते हैं। मेहंदी रात के दिन ये आपके सामने एक जगह दूल्हे का घर है। बारात से एक दिन पहले मेहंदी रात होती है और ये दोनों घरों में होती है जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे कश्मीर का। काफी डिशेज है, यखनी इज वन ऑफ द फेमस डिशेज, रिश्ता बश्ताबा एग्जैक्टली मैम, तो रोगन जोश को बहुत सर्व किया जाता है। उसके बाद दूल्हे के घर से जो लोग आते हैं बारात लेके आते हैं तो और Yes, so, it's here in Kashmir.
होता है वो बड़ा स्पेशल होता है। तो अभी हम दिखाएंगे जब दूल्हा दुल्हन के घर जाता है। Doesn't mean the fighter, the ladies, we are one. इधर कर।